वीरेंद्र त्यागी जी हरियाणा पानीपत। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हो जाए। जब मैं साधना में बैठता हूँ तब मेरा मन विकृतियों में फंसा रहता है। मेरा मन बार बार लगाने पर भी नहीं लगता। गुरुदेव की कृपा हो जाए, मेरा मन साधन में लगने लग जाए। मन जब हम साधन में बैठते हैं, मन विषयों में जाता है, वो जाता नहीं है, सच्ची मानिए। उसमें संस्कार भरे हुए हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। उसको आप प्रतिकूल भावना से पोषित मत कीजिए कि जब हम भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं तो मेरा मन बहुत विषयों का चिंतन करता है। ऐसा नहीं है, ये विपरीत चिंतन है। हमारे मन में जो बसी हुई वासनाएं वो उस समय निकलती होती हैं। आप देखो एकाग्रता, आप जितनी एकाग्रता करेंगे उतने ही विषय चिंतन दिखाई देगा। वो होता नहीं विषय चिंतन, वो मन को खाली किया जा रहा है। और मन ये इतनी छोटी चिप है कि आज तक किसी दूरबीन में भी नहीं पकड़ में आई। कोई भी वैज्ञानिक किसी भी देश विदेश का आज तक अगर मन को पकड़ पाया हो कि देखो जैसे एक्सरा किया गया, हड्डी आ गया, दिल आ गया, लीवर आ गया, किडनी आ गया, ऐसे ही देखो ये मन है, आज तक नहीं। इतना सूक्ष्म है और इतना सूक्ष्म होने पर इतना सब बवाल उसमें भरा है कि जब से सृष्टि हुई तब से आज तक की पूरी सामग्री उसमें है। छोटी सी चिप इतनी कि वो दिखाई नहीं देती और माल इतना कि पूरी सृष्टि का बवाल भरा है। अब जब हम डिलीट करना है क्योंकि अब हमें प्रियालाल की प्रेम रस की बातें उसमें भरनी, प्रियालाल का रूप भरना है, तो जो ही शुरू किया राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरिवंशी, अब वो सब शुरू हुआ निकलना। अब जो साधक इस रहस्य को नहीं जानता वो घबरा जाता है। जब भजन नहीं कर रहे थे तब तो शांति थी, अब भजन शुरू किया तो इतनी गंदी गंदी चेष्टाएं। बिल्कुल धैर्य रखो, भजन बढ़ाते रहो। बस खास बात यह है कि जो गंदी बात अंदर आ रही वो क्रिया में ना आने पावे तो नष्ट हो जाएगी। और एक दिन आप देखोगे बिल्कुल मन खाली, और जिसका मन खाली निर्मल हुआ प्रभु आके बैठ जाते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, क्या है मोहि कपट चल छिद्र न भावा, प्रभु कहते ना। तो ये जो कपट है, छल है, दोष है, इन सबको भजन निकाल रहा है। जब भजन में बैठो तो पहले ये सूत्र हृदय में बैठा लो कि मेरे मन में जो विकृतियां आएंगी वो निकलने वाली होंगी, आने वाली नहीं होंगी। उन पर आप ध्यान ज्यादा ना दीजिए, आप ध्यान दीजिए मंत्र पर या इष्ट के रूप पर, तो वो धीरे धीरे एकदम खाली होते चले जाए। उपासक बैठता तो भजन के लिए है लेकिन वो पूरी एकाग्रता उस मन की चेष्टा पर कर, अब वो परेशान हो जाता है कि यार बढ़िया शांति थी पहले। तब वो क्या करता है, दूसरा उपाय, अब टीवी शुरू कर लिया। अब डिलीट नहीं होगा क्योंकि जो डिलीट होने के लिए साधन चाहिए वो तो बिगाड़ दिया। अब हम अन्य बातें देखकर मनोरंजन कर रहे तो मन को पूरी सामग्री मिल रही, अब वो डिलीट नहीं और ग्रहण करता है। और आपका माला चल रहा है तो आपको लगा ये अच्छा है, दूसरे से बात करते जा रहे माला चल रहा है आपको लगा ये अच्छा, क्योंकि उसमें वो परेशानी नहीं, क्योंकि वो डिलीट नहीं हो रहा, वो तो भर रहा है। चतुरता ये है, विविक्त देश सेवितम, एकदम एकांत स्थान में बैठो और बस शुरू कर दो नाम जप करना या ध्यान करना। जो विकारात्मक चिंतन आ रहा है वो निकल रहा है, अधिक से अधिक जितना आ रहा और आनंदित हो, सब खाली होता चला जा रहा है। हमें डिलीट करना है, वो सब डिलीट होता चला जाए तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है, अच्छा है। पर उपासक ना समझने के कारण भी अरे धर दिया माला, इतना सब बवाल आ रहा है, आ नहीं रहा, वो तो जा रहा है। और जब हम उसे प्रपंच में लगाकर भजन करते हैं, प्रपंच आपसे बात करते जा रहा, अब उसको कोई परेशानी नहीं क्योंकि वो डिलीट नहीं कर रहा, वो ग्रहण कर रहा है सामने से और मन में बोझा लदता चला जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, उसमें उबे ना, वो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहें।